Red, exit, resume. Red, exit, sawdown. सावधान में देखो आपले आपके हाथ कहाँ पे है। अभी आप लोग सावधान में हो, ध्यान में रखो। सावधान में हमारी मूड बंद है। हाँ, मूड इस तरह से बंद रहेगी, चारों के चारों उंगलियां अंदर तक और ऊपर से अंगूठा दबा के रखना है, और ये जो मूड है इसको नीचे लेना है, यानी यहाँ पे, और ये हाथ पूरा हमारा बदन को चिपका रहेगा, समझ गए? हाथ हिलेगा नहीं। हमको क्या हिलाना है? हमारा कौन सा पैर हिलेगा? बाया पैर, हमेशा बाया पैर हमारा ऊपर तक जाएगा, यानी ये पोजीशन में देखो, ये पोजीशन में हमारा बाया पैर ऊपर तक जाएगा और हाथ हमारा हिलेगा नहीं, हाथ पीछे जाएगा, इस तरह से पीछे जाके यहाँ पे रहेगा। ये हाथ, ये पैर यहाँ से लेके यहाँ तक हमको रखना है। कहाँ तक रखना है? विश्राम में 12 इंच का एडी में गैप रहेगा और पंजे में 16 इंच का गैप रहेगा। इस तरह से हमारा हाथ ये रहेगा, क्रॉस करेगा विश्राम में। देखो ये हाथ हमने ऐसे रखा है, ये क्रॉस ऐसे किया है, और राइट हैंड हमारा, राइट हैंड का आगे का भाग हमको पीछे रखना है, यानी पीछे से दिखेगा, ठीक है? रेड एक्सल सो डन, ठीक है? सब लोग है सावधान में? अभी विश्राम में जाना है सबको एक साथ, समझ गए ना? हाथ को हिलाना नहीं है, हाथ को इसी तरह जो पीछे से बैक साइड में लेना है, और इस तरह से हाथ रखना है विश्राम के लिए, ओके? अभी आप सावधान पोजीशन में हो, हाथ एकदम बॉडी को टच हुआ है। रेड एक्सल सो, रेड एक्सल विश्राम, रेड एक्सल सो डन, रेड एक्सल विश्राम, रेड एक्सल सो डन। अभी हम दाएं मुड़ेंगे, कहाँ मुड़ेंगे? दाएं, दाएं का मतलब राइट या लेफ्ट? राइट साइड में, बराबर। अभी दाएं मुड़ने के लिए मैं स्टेप वन करूँगा, उसी तरह आपको स्टेप वन करना है। मैं पहले मेरे लिए दाएं मुड़ने के लिए, मेरे लिए सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, ये स्टेप वन मैंने किया, बराबर। दाएं मुड़ने के लिए स्टेप टू, बराबर। पैर देखो आप, मेरा जो मुड़ा हुआ है वो एकदम टाइट है, स्ट्रेट है। स्टेप थ्री, हाथ जैसे है वैसे ही मैंने क्या किया है, हाथ को मूवमेंट किया नहीं मैंने, हाथ जगह पे है रहा है, ठीक है? वापस दाएं मुड़ने के लिए स्टेप, मेरे लिए दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, ये मैंने दाएं मुड़ा, बराबर। यहाँ पे मैं जहाँ पे देख रहा हूँ वहाँ पे देख रहा हूँ, बराबर। दाएं मुड़ने के लिए स्टेप टू, ये हो गया, हाथ का मूवमेंट हुआ नहीं, सिर्फ पैर का। दाएं मुड़ने के लिए स्टेप थ्री, समझ रहे, बराबर। अभी सावधान पोजिशन में है यहाँ पे भी, वापस मेरे लिए दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, यानी जहाँ तक जितना राइट साइड से खींचना है राइट पे, उतना राइट में जाना है। दाएं मुड़ने के लिए स्टेप टू, दाएं मुड़ने के लिए स्टेप थ्री, वापस दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, दाएं मुड़ने के लिए स्टेप टू, दाएं मुड़ने के लिए स्टेप थ्री, ठीक है? हाथ नीचे तक जाना चाहिए, सावधान पोजीशन में सब लोग। दाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, सिर्फ
पैर को हिलाना एड़ी से, हाँ, और पंजे में जैसे 6 इंच का गैप होता है, 6 इंच का गैप यानी इस तरह से सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा यहाँ पे रहेगा और थोड़ा यहाँ पे रहेगा, उसी तरह तुमको राइट साइड में पैर करना है। राइट साइड में देखो इनका कैसा पैर है, राइट साइड में, और थोड़ा उधर, और थोड़ा स्ट्रेट नहीं रहेगा, जो पैर है तुम्हारा स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये स्ट्रेट है ना, सामने दिख रहा है ना, इसको थोड़ा और राइट में करो, आगे और आगे घुमाओ, हाँ यहाँ तक घुमाना है, समझ गए, ओके घुमा दिया। अभी आपको एडी से ना पंजे से, दूसरा पैर पंजे से आपको ये लेवल में लाना है, ठीक है। स्टेप टू, बराबर एकदम टाइट रखो पैर। स्टेप थ्री, हाँ बराबर है, ये लड़का किधर है,